आज कटिहार रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में सुबह से ही छात्र छात्राओं की भीड़ देखी जा रही थी। अवसर था स्काउट एंड गाइड द्वारा तीसरी जिला रैली के आयोजन का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे रेलवे के सीनियर डीपीओ अरुण कुमार। मुख्य अतिथि अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस रैली का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर रेलवे के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें एपीओ अंजनी कुमार, एससीएम कुमार जितेंद्र सिंह के अलावा स्काउट एंड गाइड के सुनील कुमार मिश्रा आदि प्रमुख थे। उद्घाटन के बाद स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं ने सभी अतिथियों को फूल का बुके प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद शुरू हुई 4 दिवसीय जिला रैली की पहली रैली। आज के पहली रैली में 125 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देख मौके पर मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर सीनियर इंस्टीट्यूट के बाहर स्काउट एंड गाइड के साथ छात्राओं द्वारा टेंट भी लगाए गए थे। छात्र छात्राओं ने बताया कि 4 दिनों तक यह छात्र छात्राएं इसी टेंट में रहेंगे, क्योंकि यह 4 दिवसीय कार्यक्रम उनकी ट्रेनिंग का एक प्रमुख हिस्सा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीपीओ अरुण कुमार ने बताया कि यह जिला रैली का कार्यक्रम 19 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। आज कटिहार रेल मंडल के प्रांगण में स्काउट एंड गाइड की डिस्ट्रिक्ट रैली 3rd आयोजित की जा रही है, जिसका आयोजन यहाँ के बच्चों और ने भाग लेकर अच्छा मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी हैं। और ये प्रतिभाएं वो हैं जो देश को आगे ले जाएंगी और बाकियों को भी कैसे लीडरशिप, टीम की भावना आदि से प्रेरित करेंगी। ये 3rd डिस्ट्रिक्ट रैली है जो कि भारत स्काउट एंड गाइड के द्वारा आयोजित की गई है, जो कि हमारे सीनियर इंस्टीट्यूट गाइड ग्राउंड में आज 19 तारीख से 22 तारीख तक ये चलेगा। इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास कैंपिंग, इसमें बच्चे अपने घर से परिवार से दूर रहकर कैसे कैंप करते हैं, वो कैसे अपना देख रेख कर सकते हैं अपने सामानों का, और कैसे वो बिना बर्तन के खाना बनाएंगे, बांस के द्वारा गजट बनाएंगे, पैनलिंग बनाएंगे, गेट बनाएंगे, और टेंट में रहकर ये पूरा कैंप वो 4 दिन बिताएंगे। इस कार्यक्रम में हमारे DRM सर और ADRM सर का सहयोग मिला, जिसके कारण ये कैंप आगे संचालित है। हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सुमित कुमार सर और APO अंजनी कुमार सर के द्वारा भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिला और ये कैंप हम लोग ने सक्सेस किया, सक्सेस करने की ओर अग्रसर हैं। आज ये हमारे सीनियर DPO सर और APO सर और SEM सर के द्वारा, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी हैं, उनके द्वारा कैंप का ओपन किया गया। और ये कैंप ओपन के बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए हैं और आज जो है संध्या 6 बजे बच्चों का फोक डांस कंपटीशन स्टार्ट होगा, जो कि आज का पहला कंपटीशन है, और कल सुबह से फिर कंटिन्यू ये वर्क चलेगा। रात 10 बजे तक का टोटल एक्टिविटी होता है प्रत्येक दिन का। इसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपना विकास करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं
जो अपने घर से अपने पापा मम्मी से दूर रहकर एक यूनिटी के साथ एक बच्चे के टोली के साथ अपना यहाँ पर कैंप करते हैं। मतलब जंगल में अगर कोई हम लोग कैंपिंग में जाते हैं वो सब प्रक्रिया जो होती हैं वो सभी इसमें बताई जाती है। मैं जयप्रकाश कुमार सिंह, ग्रुप लीडर NF रेलवे, भारतीय स्काउट एंड गाइड कटिहार डिवीज़न।